कि प्रभु ने आपके नाम को नहीं बदला, आपके धर्म को नहीं बदला, आपकी बहुत सी चीज़ों को नहीं बदला है, परंतु प्रभु आपके भविष्य को बदल देगा, प्रभु आपके परिस्थितियों को बदल देगा, प्रभु आपके हालातों को बदल देगा। ऐसे ही परमेश्वर पिता आप अपने लोगों की परिस्थितियों को बदलें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके भविष्य को बदल देंगे। आज चाहे आपका प्रेजेंट कुछ भी क्यों ना हो, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके भविष्य को बदल देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3:16, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वे ये हैं समौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा। दोस्तों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुत से चेलों के नाम बदल दिए। उनका नाम पहले कुछ और था और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनके नाम को कुछ और कर दिया। जैसे यहाँ पर हम पत्रस के जीवन में देखते हैं कि पत्रस, जब प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस को बुलाया, तो पत्रस ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। उनका बिजनेस था मछलियों को पकड़ने का, परंतु जब उसने प्रभु की बुलाहट को सुना तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो बिजनेस वहीं पर छोड़ दिया, मच्छियां वहीं छोड़ दी, अपनी जाल नाव सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलना उसने शुरू कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाम को बदल दिया। पहले उसके नाम समौन था, अब प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदल कर पत्रस कर दिया और उससे कहा कि तुझ चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस का अर्थ चट्टान होता है, पत्थर होता है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ चट्टान पर, तुझ पत्रस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, मैं अपने चर्च को बिल्ड करूंगा। एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि पत्रस, एक तरीके से आप एग्जांपल के थ्रू सोच सकते हैं कि पत्रस एक वो पत्थर है जिसके ऊपर मकान बिल्ड किया गया या फिर चर्च बिल्ड किया गया, वो नींव का पत्थर। एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। वो मछुआरा था, उसका काम मच्छी पकड़ना था, उसका बिजनेस वही था, लेकिन जब उसने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के पीछे चला, प्रभु ने उसके भविष्य को बदल दिया। यहां पर न केवल उसके नाम को बदला बल्कि उसके भविष्य को बदल दिया। आप जानते हैं फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बाद पत्रस ने ही उसकी कमान संभाली और सब कुछ फिर पत्रस के द्वारा ही आगे चला। प्रभु के राज्य का सुसमाचार को लीड फिर पत्रस ने किया। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने न केवल पत्रस के नाम को बदला बल्कि उसके भविष्य को बदल दिया। इसी प्रकार से मैं आज आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके भविष्य को बदल देंगे। हालांकि हो सकता है आपके नाम को न बदलें, परंतु आपके भविष्य को प्रभु बदल देंगे। तब वो मनुष्यों का मछुआ बन गया, तब उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, तब उसके द्वारा बीमार चंगे हुए, उसके द्वारा फिर मुर्दे जिंदे हुए, उसके द्वारा फिर दुष्ट आत्माएं भागने लगी और पूरी दुनिया में उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैला दिया। फिर अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके द्वारा होने लगे, प्रभु ने उसके भविष्य को बदल दिया। दोस्तों, इसी प्रकार प्रभु आपके भविष्य को बदलने में सामर्थ्य हैं, वो शक्ति रखते हैं आपके भविष्य को बदलने की। आज प्रेजेंट में आपका भविष्य, आपका वर्तमान क्या है वो मायने नहीं करता। आपने क्या सोच विचार किया अपने भविष्य के लिए वो मायने नहीं रखता। या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप भविष्य में क्या होंगे वो मायने नहीं रखता। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपके भविष्य को बदल देंगे। अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे चला तो उसका नाम अब्राम था, परंतु परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 17:5, पर वहां पर परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, और क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। प्रभु ने उसके नाम को बदला, परंतु उसके भविष्य को भी बदल दिया। न केवल उसके नाम को बल्कि उसके भविष्य को, क्योंकि ये नाम, जो नए नाम प्रभु ने अपने चेलों को या फिर अब्राहम को दिया, उनका अर्थ ही ये था कि उनका भविष्य बदल जाएगा, कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। पत्रस को, मैं तुझ पर अपनी चट्टान को बनाऊंगा। जब कोई उन्हें अब इस नए नाम से पुकारता होगा तो उनका विश्वास बढ़ता होगा। जब कोई पत्रस को, अब समौन को अब पत्रस कहता होगा, तो उसका विश्वास बढ़ता होगा, ओ अब प्रभु मुझ पर अपनी कलीसिया को बनाएगा, प्रभु मुझ पर अपनी कलीसिया को बनाएगा, इसीलिए तो मेरा नाम पत्रस है।
मैं एक चट्टान हूँ, एक मजबूत चट्टान जो इधर उधर नहीं खिसकती, जो हमेशा स्थिर रहती है, जो डगमगाती नहीं है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे आंधी तूफान ने तोड़ नहीं सकते, खिसका नहीं सकते अपनी जगह से। एक ऐसी चट्टान हूँ मैं और मुझ पर प्रभु अपनी कलीसिया को बनाएगा। उसे ऐसा विश्वास होता होगा। अब्राहम को जब अब लोग अब्राहम कहकर बुलाते होंगे तो उसे याद आता होगा कि प्रभु ने मुझसे वादा किया, मैं तुझे सारी जातियों का, बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। उसे वो प्रॉमिस याद आता होगा, पतरस को वो प्रॉमिस याद आता होगा। आज आपको भी यही करना है, आपको भी प्रभु का वादा याद करना है। हालांकि प्रभु ने आपके नाम को नहीं बदला, आपके धर्म को नहीं बदला, आपकी बहुत सी चीज़ों को नहीं बदला है, परंतु प्रभु आपके भविष्य को बदल देगा, प्रभु आपके परिस्थितियों को बदल देगा, प्रभु आपके हालातों को बदल देगा, प्रभु आपके भविष्य को बदल देगा। बस आपको ये याद रखना है, जब आपके पीछे प्रभु यीशु का नाम जुड़ गया है तो प्रभु आपके भविष्य को बदल देगा, प्रभु आपके दिनों को बदल देंगे और आपके भविष्य को बदल देंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। वर्तमान में हम क्या हैं मायने नहीं रखता, लोग हमें क्या कहते हैं मायने नहीं रखता, घर वाले क्या कहते हैं वो भी मायने नहीं रखता, आप खुद के लिए क्या सोच रहे हैं मायने नहीं रखता। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो आपके भविष्य को बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मैं अनुपम कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई में रुकावट आ रही थी, जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया और अब मेरी पढ़ाई ठीक ढंग से हो रही है। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे माता पिता के ऊपर बहुत कर्ज था, प्रेयर सेंटर में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा तो सब समस्या धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एवं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता और उनके पूरे टीम का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, आपका जय जयकार करते प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये सुबह परमेश्वर जब हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, इस बात के लिए कि हम तेरी उपासना करें, हम सब प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद दें, हम सब प्रभु आज के इस नए दिन के लिए आनंद से प्रभु हृदय से तुझे धन्यवाद दे सकें, और प्रभु धन्यवाद रात के विश्राम, अच्छी नींद, रात की सुरक्षा के लिए जो प्रभु तूने हमें दी है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तेरी अनुग्रह और तेरी दया से परमेश्वर इस नए दिन को हम देख पाए हैं प्रभु। आप बहुत भले और अच्छे परमेश्वर हैं प्रभु, हम सब पर दया करने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं, और आज प्रभु तेरे प्रेमी जो तेरे तुझसे प्रेम करते हैं दुनिया की छोर से, तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे प्रभु, आपके लोग आपकी होली प्रेजेंस को महसूस करें, आपका पवित्र आत्मा इनके साथ में होए परमेश्वर प्रभु। आज दिन भर में जहां कहीं भी जाएं, जो काम करें, जिस काम पर भी हाथ लगाएं, यीशु आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाएं, वो काम तेरे आत्मा के द्वारा सफल होने पाए परमेश्वर प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से अपने बेटे बेटियों को, उनकी फैमिली में हर एक जन को आप भरे प्रभु, अपनी सफलताओं को, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को प्रभु आज के दिन में इनके जीवनों में दीजिए प्रभु, इन्हें आपकी जरूरत है, इनके जीवनों में आप आइए, आपको आपको वेलकम करते प्रभु, हम हर एक के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में प्रभु हम आपका वेलकम करते खुदावन, आपको हम आमंत्रित करते हैं इन भाई बहनों के जीवन में, उनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में, ताकि प्रभु जब आप उनके जीवन में आए तो उनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु। मेरे पिता धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, ऐसा प्रेम प्रभु जिसमें कोई शर्त नहीं है प्रभु, ऐसा प्रेम प्रभु जिसका कोई माप नहीं है प्रभु, ऐसा प्रेम प्रभु जिसे हम नहीं नाप सकते परमेश्वर, ऐसा प्रेम प्रभु आपने हमसे किया, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। वचन के लिए धन्यवादी हैं, आज का वचन परमेश्वर जो आपने बातचीत किया प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने मेरे पिता
पत्रस के नाम को बदलकर उसके भविष्य को बदल दिया परमेश्वर पिता। ऐसे ही परमेश्वर पिता आप अपने लोगों की परिस्थितियों को बदलें, आप उनके सिचुएशंस को बदलें परमेश्वर। जो भी उनके लाइफ के इश्यूज हैं प्रभु, जो भी उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं परमेश्वर, आप उन्हें बदल दें परमेश्वर पिता, क्योंकि बदलने की सामर्थ्य आप रखते हैं। आप प्रभु सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन प्रभु। इनकी प्रभु जो बुरी परिस्थितियाँ हैं परमेश्वर, परिवार में जो प्रॉब्लम्स हैं उसे बदल कर प्रभु आप इन्हें आनंदित करें मेरे प्रभु। इनके बच्चों का लाइफ जो अंधकार में है, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, व्यभिचार में है प्रभु, वहां से बाहर निकाल कर आप इन्हें आशीषों में प्रभु, सिद्धताई में, पवित्रताई में बढ़ाइए प्रभु जी, क्योंकि ये सब कुछ आपके द्वारा, आपकी होली स्पिरिट के द्वारा होने पाएगा मेरे परमेश्वर। जब इनके ऊपर कर्जे हैं तो प्रभु परिस्थितियां बदल जाएं कि ये कर्ज मुक्त हों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हों, हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो प्रभु, गरीबी पिता दूर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने लोगों की सिचुएशंस को जो आज इनके लाइफ में हो उसे बदल दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं नहीं जानती कैसे सिचुएशन इनके लाइफ में, ये क्या चाहते हैं कि इनके जीवन में बदले, परंतु पिता इस प्रार्थना के माध्यम से एक एक जन अपने मुंह को खोल रहा है, एक एक जन अपनी विनतियों को आपके सम्मुख रख रहा है, एक एक जन प्रभु अपनी बातों को आपसे कह रहे हैं प्रभु, और उस परिस्थिति के बदलने के लिए जिस प्रकार आज वचन को सुनकर इन्होंने विश्वास किया कि प्रभु जिस प्रकार पत्रस के लिए आपने उसके भविष्य को बदल दिया, उसी प्रकार आप इन भाई बहनों के लिए इनकी परिस्थिति को, इनके भविष्य को, इनके वर्तमान को बदल दे परमेश्वर पिता। प्रभु जब ये दुखों से होकर गुजर रहे हैं, असफलताओं से होकर गुजर रहे हैं, निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, जब प्रभु किसी ने इन्हें छोड़ दिया है, किसी ने इन्हें त्याग दिया है, किसी ने इन्हें धोखा दिया है मेरे प्रभु, ऐसे सिचुएशन में प्रभु आप इन्हें ढाढ़स दें, मजबूत करें और इनकी सिचुएशन को बदलें परमेश्वर। मेरे पिता काफ़ी लंबे समय से बीमारियों में चल रहे हैं प्रभु, प्रभु बहुत लॉन्ग समय हो गया है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है परमेश्वर, जब रोग हैं, बीमारियां हैं, दुर्बलता है, शरीर कमज़ोर हो गया है प्रभु जी, हड्डियां प्रभु कमज़ोर पड़ गई हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ वो बीमारी, वो रोग इसी समय नष्ट हो जाए, परिस्थितियां बदल जाए परमेश्वर, ये चंगे हो जाए, उस बीमारी की खाट से उठकर चलने फिरने लगे प्रभु जी। जब ये प्रभु सुन नहीं सकते हैं प्रभु सुनने लगे, जब ये देख नहीं सकते हैं तो प्रभु इनकी आंखों की रोशनी को खोले प्रभु, ये देखने लगे प्रभु। जब ये कुछ समझने की शक्ति नहीं रखते प्रभु यीशु, आप इन्हें चंगा करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुआ और चंगा किया एक एक जन, एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को प्रभु, तूने उनके रोगों से बाहर निकाल कर उन्हें चंगा कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू परिस्थितियों को बदलने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, श्रापों में हैं, अंधकार में हैं, यीशु आप उनके जीवन में आकर उनकी परिस्थितियों को बदल दे। आज जब वो अंधकार में है तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे अंधियारे को उजियाले में बदल दूंगा। आज ये सिचुएशंस चेंज होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इनके जीवनों में हैं, आप इनके लाइफ में परमेश्वर, इनके भविष्य में क्या होना है, इनकी लाइफ में क्या होना है निर्धारित आप करते परमेश्वर। मेरे प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु जी, प्रभु छोटे बच्चे जो पढ़ाई में वीक हैं प्रभु, जो भी पढ़ाई में वीक है, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात इन्हें बहुत ज़्यादा टफ लगती है प्रभु, उन्हें बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करें कि वो बहुत अच्छा उसमें कर सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तेरे लोग प्रभु जी, प्रभु बहुत सारी निराशाओं में है पिता, बहुत कुछ है जो उनके लाइफ में गलत हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सहायता करें और मदद करें मेरे प्रभु। आज के दिन में इन्हें सफल करें, जहाँ कहीं जाएं सुरक्षित रखें, हर प्रकार की गलत बातों से, हर प्रकार की बुरी नज़रों से, हर प्रकार के रॉन्ग बातों से प्रभु आप अपने लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली, हर एक जन को सिक्योर रखें प्रभु, बचा कर रखें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें, उन्हें आशीषों में रखें प्रभु, बहुतायत और भरपूरी उनके जीवन में रहे, और कभी भी प्रभु जी वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं परंतु हाथ बढ़ाने वाले हो सके, देने वाला आप उन्हें बनाए परमेश्वर पिता। आप ब्लेस करें हर एक जन को, ब्लेस करें परमेश्वर, अंजल के भंडारों पर, कमाइयों पर तेरी बरकत आशीष हो, इनकी फैमिली, इनका परिवार, इनके बच्चे उसका आनंद लेकर प्रभु बारंबार स्वर्ग की ओर प्रभु तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।